हेलो गाइस, योगेंद्र शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसा यूज़ पढ़ाने जा रहा हूं कि आप जब इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे और समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही स्पेशल यूज़ है और देखने में बड़ा अजीब सा लगता है जब हम बोलते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि इसको बोलने में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगता है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, गलती नहीं होती है, वो सही होता है। तो आज इसका स्पेशल यूज आप पढ़ें, इसको गौर से देखें, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और इनके जो यूजेज हैं और वो किन के यूजेज हैं वो हैं इज टू, एम टू और आर टू। जिसका यूज है इसको पढ़ें, सीखें, इसको अंदर से सीखें इसको। और सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा आपको, बड़े मजे से, बड़े आराम से समझ में आएगा। तो देखते हैं, यूज ऑफ इज टू, एम टू और आर टू। इज एम आर आप जानते हैं क्या होता है, बी की फॉर्म्स होती हैं इज एम आर। और इनका प्रयोग कैसे होता है कि जब वाक्य में कर्ता का कोई इरादा हो, कोई संकल्प सो हो रहा हो, कोई इंटेंशन उसकी सो हो रही हो, कोई उसका संकल्प सो हो रहा हो, तो किसका यूज किया जाता है? इज टू, एम टू और आर टू का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है? इज टू, एम टू और आर टू का यूज होता है। और किन वाक्यों में इनका यूज करते हैं देखते हमको पता चल जाता है। हाँ, कैसे करते हैं इनका? हाँ, इसकी जो मुख्य पहचान है इज एम आर। हाँ, और इज एम आर का प्रयोग किस में होता है? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण दे दूं। इज एम आर, इसका यूज कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में इनका यूज होता है। हा? अब इनके आगे भी हमने प्लस टू जोड़ दी जाए, प्लस टू, तो क्या टेंस बदल जाएगा? अरे यार, नहीं बदलेगा। कौन कह रहा बदल जाएगा? टू टू लगाने से कोई टेंस बदलता है? नहीं बदलता, टेंस यही रहता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी सिचुएशन बदल जाती है। कैसे बदलती है उसकी? जब हिंदी में जब इसकी पहचान करते हैं ना, तो हिंदी में है, हैं या हूं, हिंदी में ये पहचान होती है। लेकिन इससे पहले ना जरूर आता है लिखा हुआ। क्या आता है? ना। क्या आता है? ना, ना है। हाँ, ना है जरूर आएगा। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि अब इज एम आर का प्रयोग देखिए, मैं आपको समझा दूं। वैसे भी इज किसके साथ होता है इसका यूज? हाँ, ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ। हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। वैसे हम इसे मोस्टली जो थर्ड क्लास से इसको पढ़ा जाता है, इज एम आर इज स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड क्लास, फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड, वी रीड इट फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड। और इज एम आर का यही केवल एकमात्र ऐसा यूज है जो हर एक कोई आंख बंद कर करता है। एम हमेशा अपने लेक्चर में बोलता आया हूँ मैं, एम किस लिए बनाए, किसके लिए बनाए? आई के लिए। और आर यदि उसकी प्रोनाउन की बात करें तो वी, यू, दे और किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी, इसका आर का यूज होता है। तो इज एम आर का यूज क्लियर हो गया। अब जब इनको हम बनाते हैं सेंटेंसेस में, तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में इज, एम, आर, इसमें से कोई एक लगाती है, प्लस टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मुझे आज दिल्ली
जाना है, मुझे आज दिल्ली जाना है। तो क्या हो गया इसमें, देखिए इसमें क्या इसका डेफिनेशन क्या लिखी है, इसका प्रयोग कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं कि जब उसका कोई इरादा या संकल्प वाक्य से निकल कर के आए, वाक्य उसके इरादे या संकल्प को शो करे, तब उसका यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर संकल्प आ रहा, इरादा आ रहा निकल करके कि मुझे आज दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, कितनी पक्की बात है, बिल्कुल पक्का इरादा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, आई और आई के साथ एम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, मुझे आज दिल्ली जाना है। अब दोस्तों यदि ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो, यदि ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एम एम इज एम आर, आर के बाद में नॉट लगा देते हैं। लेकिन देखिए एक चीज हम इसमें भूल गए, मैंने इसमें आज भी लिखा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, टुडे और लिखेंगे यहां पर, हाँ दिल्ली टुडे, मुझे आज दिल्ली जाना है। तो बता रहा था मैं कि नॉट का यूज कहां होना है, नॉट का यूज कहां होना है, आई एम नॉट इज एम आर के बाद में नॉट का यूज होना है। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टू गो टू दिल्ली टुडे, यदि ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अच्छा इंटरोगेटिव बनाते हैं, तब हम इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव वही दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो क्या से शुरू करेंगे, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं फर्स्ट टाइप की, जैसे कि क्या, क्या तुम्हें यह कार्य करना है, क्या तुम्हें यह कार्य करना, क्या की नहीं लगाएंगे अंग्रेजी, क्या लगाएंगे, आर यू और टू इसके बाद में, टू डू दिस वर्क, आर यू टू डू दिस वर्क। और सेकंड टाइप यदि हो जाए, बोल देंगे तुम्हें यह कार्य क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, इससे पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। तो ये इज टू एम टू आर टू का जो यूज है, हा? बहुत ही मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, कईयों के चेहरे पर मैं मुस्कुराहट फील कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि समझ में आया होगा। और जब समझ में आया है तो इसका मतलब क्या है, बहुत मज़े से आप इसका यूज़ करेंगे, सीखेंगे, हैं, और जो अपने आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिखाएंगे। ओके थैंक यू।